हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे लहसुन और टमाटर की ऐसी चटनी जो सबको पसंद आएगी, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जिसे भूख भी नहीं होगी। वो भी इस चटनी में, दो रोटी तो एक्स्ट्रा खा ही जाएगा। इतनी टेस्टी है ये चटनी, इतनी टेस्टी बनती है, आप सब्जी छोड़ सारी रोटी इसी में खा जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिए। मैं लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें डालूंगी जिससे चटनी और भी टेस्टी बनेगी। तो इसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च भिगाने रखी थी एक घंटे तक, और ये तीन चार टमाटर कट करके ले लिया मैंने, और ये लहसुन की कली ली है मैंने। आप चाहे तो इन्हें 5 मिनट उबाल कर भी मिक्सी जार में पीस सकते हैं, पर हम इन्हें पहले मिक्सी जार में पीसेंगे। और मैंने ये मिक्सी जार लिया और उसमें ये सब डालकर अच्छे से पीस लिया। और ये देखिए, एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और अब लेंगे हम एक पैन और उसमें रखेंगे थोड़ा सा तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें रखेंगे थोड़ा सा जीरा। आप इसमें सरसों के दाने भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही जीरा पक जाएगा वैसे हम इसमें जो टमाटर लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे डाल लेंगे, और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने मसालों में लिया नमक, हल्दी और धनिया पाउडर। आप इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे चलाते रहना है, और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता हमें तब तक पकाना है इसको। और मसालों को अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है नींबू का रस। थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और थोड़ी सी दही ऐड करेंगे। तो हमें गैस को पहले ऑफ कर देना है, फिर हमें इसमें दही ऐड करनी है, और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हमें गैस को ऑन करना है। और ये देखिए, हमारी दही मिक्स हो चुकी है, तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है। और अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। और ये देखिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसे आप पूरी, परांठा, समोसा, सभी चीज़ों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो इसमें कम मिर्ची ऐड कीजिएगा। और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब चटनी बनकर तैयार है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।